Hello students, welcome to the Abhimanyu IAS. So target IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है. जैसा कि हम लोग target IAS 2021 के अंदर करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं और वो करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स आपके रहेंगे 2020 मार्च से अप्रैल 2021 के, तो यानी कि मोर देन वन ईयर से भी ज़्यादा के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे हम लोग उनको इन 70 डेज के अंदर कवर अप करेंगे. अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तो वो आपके प्रिलिम्स एंड मेंस 2021 पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये 70 डेज का जो हमने सेशन यहाँ पे स्टार्ट किया है अभिमन्यु में, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को जो करंट अफेयर्स को लेकर प्रॉब्लम्स रहती हैं ये सेशंस को देखने के बाद उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स लगभग खत्म हो जाएंगी. क्लियर है? फिर भी कोई भी ऐसा स्टूडेंट रहता है जिसको करंट अफेयर्स में फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा. और एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा आपके यहाँ पे कि हर एक सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो सेशन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ का लिंक गिवन है, आप लोग वहां पर क्लिक करके अपनी पीडीएफ को सेव कर सकते हैं. क्लियर? तो अभी तक के हमने 13 लेक्चर्स को अटेंड किया है जिसके अंदर हमने मार्च 2020, अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल एक्सप्लेन्ड मैनर से कर लिया है, कवर अप कर लिया है. और उसके बाद हमने मई 2020 के करंट अफेयर्स को कवर अप करना शुरू कर दिया है. और जो आज हमारा 14th लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, वो भी आपका मई 2020 करंट अफेयर्स पे बेसिस पे ही रहने वाला है. क्लियर है? तो सेशन शुरू करें आज का. और उससे पहले मैं अपने बारे में अगर इंट्रोडक्शन दे दूं, मायसेल्फ कनम अग्रवाल, करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस. स्टूडेंट्स तो करते हैं शुरू. अगर बात करें हमारी आज की सबसे पहली न्यूज की, और वो रहती है आप लोगों की कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये न्यूज आई है. और ये क्यों आई है, मई 2020 के अंदर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. और उससे पहले ये न्यूज माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है. क्लियर है? तो पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे हर एक चीज को वेल एक्सप्लेन मैनर से, जैसे कि हमने अभी तक के 13 लेक्चर्स में अटेंड किया है. तो देखते हैं, यहां पर बोला गया कि द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ उन्होंने लॉन्च किया है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हैज क्रॉस्ड द मार्क ऑफ 1 करोड़ ट्रीटमेंट. अब ये न्यूज क्यों आ गई है, ये आई है क्योंकि जन आरोग्य योजना के अंडर 1 करोड़ लोगों ने अपना ट्रीटमेंट करवाया है, तभी ये न्यूज आई है. तो आप ये ऐसा भी बोल सकते हो कि इन्होंने एक अपना माइलस्टोन अचीव कर लिया. किन्होंने? जन आरोग्य योजना स्कीम ने अपना एक माइलस्टोन अचीव किया कि 1 करोड़ लोगों ने उनके अंडर ट्रीटमेंट करवा लिया. क्लियर है? और यहां पे लिखा ही है कि पॉजिटिवली इंपैक्टिंग लाइव्स इन द कंट्री. क्लियर? ये वाला पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट यहां बोला गया कि जो आयुष्मान भारत है, अ फ्लैगशिप स्कीम है भारतीय सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये लॉन्च कब की गई थी, सितंबर 2018 को, एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. भारत सरकार ने सितंबर 2018 में इसको लॉन्च कर दिया था, बट इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में. क्लियर है? टू अचीव द विजन ऑफ यूनिक, क्यों अब कंसेप्ट देखें कि हमें जन आरोग्य योजना को लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी है स्टूडेंट्स, वो कारण है आपका कि विजन होना है, हमने देखा है फ्यूचर देखा अपना कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC. मैं ये बात करता हूं प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा, क्योंकि अभी COVID-19 का जो दौर चल रहा है उसके अंडर हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ ट्रीटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स बन रहे हैं, तो उनमें से आपका सॉरी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी पहले से स्कीम्स लॉन्च कर रखी थी जो COVID-19 पेंडेमिक में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है, तो उनमें से एक आ गई आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. क्लियर है? चलें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स कि सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, रिकमेंडेशन दी गई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की तरफ से, और क्यों हमने वो विजन अचीव करना है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो जाए.
ठीक है। अब यहां पे लिखा गया कि दिस प्रोग्राम हैज बीन डेवलप्ड टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बिल्कुल है, कोई ना कोई गोल हमें, देखो कोई स्कीम लॉन्च होती है तो उसको अचीव करना है क्या, वो डेवलपमेंट गोल है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है ना। कहते इट्स अंडरलाइनिंग कमिटमेंट विच इज टू लीव नो वन बिहाइंड। बिल्कुल ठीक है कि कोई भी एक छूटना नहीं चाहिए, कोई भी सिटीजन, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। ये मैं दोनों के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, प्रीलिम्स और मेंस। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है हेल्थ को लेकर, वो है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बिल्कुल है, इवन आप इसको इंश्योरेंस स्कीम भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कहते फुली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 5 लाख रुपया मिलेगा पर फैमिली पर ईयर। कंसेप्ट देखें, 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशंस। कंसेप्ट देख लें सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशंस के लिए। क्लियर, चलें आगे, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है। अब ये कंसेप्ट देखें, यहां पे है कि टुवर्ड्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था सितंबर 2018 में, तो उनके अकॉर्डिंगली, ये स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक नेशनल हेल्थ एजेंसी है। आप लोग प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो, ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैं हर बार आपको सेशन में एक बात बोलता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ न्यूज ऐसी रहती है जो मेंस के अंदर ना, जब आप राइटिंग करते हो, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आप ये पॉइंट्स वहां पे लिखते हो तो जो आपका आंसर रहेगा ना अदर कंपिटीटर से, आपका जो आंसर रहेगा बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक गिने चुने ही वहां पे एस्पिरेंट्स लिखते हैं। क्लियर है, तो वो चीजें आप लोग यहाँ पे नोट करें। ये है कि नेशनल हेल्थ एजेंसी है एंड स्टेट हेल्थ एजेंसी है, सेटअप टू इंप्लीमेंट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया कि जो बेनिफिशरीज हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे कौन से डाटा से, सेक डाटा से। ये है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा, ये है आपका, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं यहां पे ये चीज हटाकर क्लियरिटी से लिख लेते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। क्लियर है, यहां पे लिखा नो कैप ऑन फैमिली साइज और एज। अब ये नहीं है कि फैमिली इतनी होनी चाहिए या वो फैमिली में इतने कम के उम्र के या इससे ज्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए, वो कंसेप्ट नहीं है यहां पे। नेक्स्ट आया कि स्टेट्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेट्स को, राज्य सरकारों को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है टू डिसाइड ऑन द मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। बिल्कुल ठीक, यहां पे बोला गया कि बेनिफिट्स विल बी पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को एंड सीनियर सिटीजन को दी जाएगी। क्लियर, चले आगे। अभी इसके अंडर आता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्रॉस किया गया अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, 1 करोड़ हॉस्पिटलाइजेशन का, जो अभी हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा इस न्यूज का। वर्थ रुपीज कितने लगे वो है 13,412 करोड़, 13,412 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है अभी तक का, इन लेस देन 20 मंथ सिंस इट्स लॉन्च। क्लियर, नेक्स्ट आया इसका फीचर क्या है पीएमजे का, ये बोलते हैं बिगनिंग से, जब से ये शुरू हुआ है, ये स्कीम जब से शुरू हुई है, इस पोर्टेबिलिटी, ये नहीं है कि हमें सिर्फ भारत के एक्स वाई जेड राज्य में ही ये स्कीम देखने को मिली, नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह पे ये लॉन्च किया गया। इसको हेल्प मिला, विच हेल्प टू एंश्योर दैट पीएमजे एलिजिबल माइग्रेंट वर्कर्स कैन असेस द स्कीम सर्विस इन एनी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल। कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंस पर्सपेक्टिव। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी, अब सपोज कर एक लेबर है, वो मोस्टली अगर बिहार और यूपी से आया है, कोई भी एक्स वाई जेड स्टेट में चला गया, अब ये नहीं है अगर इसको कोई भी डिजीज हो चुका है और इसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर ट्रीटमेंट लेना है तो इसको अपने वापस होम टाउन जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, नहीं ये कंसेप्ट नहीं है। यही लेबरर, ये इंसान, ये ह्यूमन बींग जहां पे कोई भी भारत के राज्य में जहां पे काम कर रहा है तो वही वहां के भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर ये अपना ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता है। मतलब यही ह्यूमन बीइंग वहां की स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
बोल सकते कि एलिजिबल होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आया कि गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला, राजस्थान हैव एमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डाटा इम्पोर्टेंट है कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे टॉप पे चल रहे हैं आपके पीएमजे को परफॉर्मिंग में। वो रहते गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला एंड राजस्थान। क्लियर है। कहते प्रोवाइड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स अंडर द स्कीम फॉर फोकस ट्रीटमेंट्स। किसके अंदर अब ट्रीटमेंट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो है ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों के लिए, कार्डियोलॉजी हार्ट्स के लिए, कार्डियो थोरासिस एंड वास्कुलर सर्जरी मतलब हार्ट रिलेटेड सर्जरी सर्जरीज हैं, रेडिएशन ऑनकोलॉजीज। ये कंसेप्ट आ गया। आगे चलते हैं। ये बोलते हैं यहाँ पे कि जो इंश्योर्ड फैमिलीज हैं वो विजिट करेंगी, कैन विजिट अ पब्लिक और एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर आते हैं वहां पे भी ये लोग विजिट कर सकते हैं कहीं भी भारत में एंड गेट फ्री ट्रीटमेंट। यहाँ पे लिखा है एंड गेट फ्री ट्रीटमेंट, बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हॉस्पिटल खर्चे हो रहे हैं इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग, बोर्डिंग चार्जेस इन अ जनरल वार्ड आर ऑल कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसीज। क्लियर। ये आप देख लें, मतलब एंट्री से लेकर डिजीज खत्म होने तक भारत सरकार ने पूरा खर्चा कहाँ किस कौन सी स्कीम के अंडर दे दिया, पीएमजे के अंदर। क्लियर। यहां बोला गया द स्कीम ऑल्सो टेक केयर ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट्स। इवन कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग को अगर सर्जरी करवाने की नीड है तो वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स का भी खर्चा भारत सरकार उठा रही है। कंसल्टेशन फीस, डॉक्टर्स की जो फीस लगती है वहां पे, एंड प्रोसीजर चार्जेस एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट्स, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो टेस्ट ड्यूरिंग बिफोर द ऑपरेशन सर्जरी करवाई जाते हैं, एंड फूड फॉर द पेशेंट ड्यूरिंग देयर हॉस्पिटल स्टे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स आपका प्रधानमंत्री जे जो आपके हमने स्कीम देखी है, ये सारे के सारा आपको डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि जो जया स्कीम लॉन्च की गई भारत सरकार की तरफ से वो पैसा कहाँ कहाँ पे लग रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल एक तरह की। क्लियर। आगे चलते हैं। इसीलिए तो बोला गया क्या था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्या है ये हेल्थ स्कीम निकाली गई है दुनिया की। अब इस इवेंट में दैट इंश्योर्ड इंडिविजुअल रिक्वायर मल्टीपल सर्जरीज द हाईएस्ट पैकेज रेट विल बी वेव्ड फॉर फर्स्ट ट्रीटमेंट। कंसेप्ट देख लें, द हाईएस्ट पैकेज रेट विल बी वेव्ड फॉर द फर्स्ट ट्रीटमेंट पहली बार, and 50% and 25% of expenses will be provided for the second and the third treatment respectively। ये उन्होंने रेशो बनाकर रख दिया पे भारत सरकार की तरफ से। क्लियर। यहां बोला गया टू रिसीव ट्रीटमेंट एट एनी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल द इंजर्ड फैमिली मेंबर मस्ट कैरी द प्रिस्क्राइब्ड आईडी। मतलब आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका कुछ ना कुछ पहचान पत्र आपको चाहिए होगा वहां पे ये स्कीम के अंदर आपको ट्रीटमेंट लेने के लिए। क्लियर है। आगे है, कहते फॉर अराउंड 53 crores पीपल सॉरी पुअर एंड वल्नरेबल बेनिफिशरीज टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर द COVID-19 आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अब आपके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो गई यहां से कि अभी रिसेंटली जो COVID-19 ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है पूरे विश्व में, तो उसके अंडर सॉरी उसी के तहत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंडर 53 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल बेनिफिशरीज ने अपनी टेस्टिंग करवाई COVID-19 को लेकर एंड ट्रीटमेंट करवाया COVID-19 को लेकर। स्कीम थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड किए गए थे जो किसके अंडर आते, पीएमजे के अंदर आते। क्लियर। यहां बोला गया कि इट विल प्रोवाइड अ कवर ऑफ अप टू 5 lakh रुपी पर फैमिली पर ईयर। ये अभी हमने कंसेप्ट देख लिया था, सबसे पहली स्लाइड में ये मेंशन भी था कि 5 lakh रुपया प्रति परिवार हर साल आपको मिलेगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर्स हॉस्पिटलाइजेशन टू एलिजिबल बेनिफिशरीज। बिल्कुल ठीक है। यहां बोलते हैं द नेशनल हेल्थ, ये NHA है, अभी हमने इसको पढ़ा था माई डियर स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट देखें एक मिनट। यहां पे है ना नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, तो इसी की अंडर आता है ये। तो यहां पे है कि द एनएचए
फॉर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन की अच्छे तरीके से जो आपका प्रधानमंत्री जे स्कीम है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, COVID-19 को लेकर हैज लेवर्ज्ड इट्स आईटी सिस्टम एक्सपर्टाइज एंड नेटवर्क ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स प्रिपेयर्डनेस, ताकि हमने प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ली थी ताकि जो सरकार है, भारत सरकार है, वो तैयारी अपनी पूरी अच्छे तरीके से कर सके और तैयार भी थी. And response to the helpline numbers, data collections. ये important रहेगा students आप लोगों के लिए. याद रखना यही points आपके बहुत ज़्यादा important रहते हैं, crucial हैं ये वाले points कि government of India ने क्या role play कर रही है अभी भी. Clear है? आगे चलते हैं. हमारी next news आती है ecological sensitivity areas in the western ghats. अब western ghats में जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स बनाए गए हैं उसको लेकर है, और ये न्यूज माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए. शुरू करें, यहां पे लिखा है कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज इंटरेक्टेड विद द चीफ मिनिस्टर्स. अब यूनियन मिनिस्टर किसके, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने 6 भारतीय राज्यों के चीफ मंत्रियों से बात की, चीफ मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा टू डिस्कस द इश्यूज. वो कौन सा इशू है रिलेट किया गया था इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज को लेकर. पर्टेनिंग टू द वेस्टर्न घाट्स, कंसेप्ट को याद रखें किसको लेकर, वेस्टर्न घाट्स को लेकर. क्लियर है स्टूडेंट्स, चले आगे. अब अगर थोड़ा सा डाटा यहाँ पे देखा जाए वेस्टर्न घाट्स को, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी ये है क्या चीज, एक मिनट दें बस आप मुझे. यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मेंशन कर लेते, डाटा ऐड ऑन कर लेते जैसे कि हम लोग हर एक अपने सेशन में करते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कि वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल also known as the Gadgil Committee. मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूं, हमने next second third slide में कुछ reports पढ़नी है Gadgil Committee report. तो वो क्या चीज है, यहां पे लिखा गया कि जो expert panel की team है ना, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल पैनल की टीम है, वो गडगिल कमेटी रिपोर्ट भी आप बोल सकते हो. उस टीम के तहत क्या है क्या चीज माय डियर स्टूडेंट्स, वो है अ कमेटी, एक कमेटी बनाई गई है, अ कमेटी हेडेड बाय द इकोलॉजिस्ट. वो कौन है इकोलॉजिस्ट, वो है आपके माधव गडगिल ऑल्सो नोन एज, अब इनको और भी क्या बोला गया, ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट. कंसेप्ट देख लीजिए आप लोग, इनको माधव गडगिल जी को वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट भी बोला गया था पैनल. और ये कब बनाई गई थी स्टूडेंट्स, ये बनाया गया था इन 2011 रिकमेंडेड. इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दे दी अपनी रिपोर्ट में, माधव गडगिल जी ने कुछ ना कुछ तो रिकमेंडेशन दी थी, तभी तो एक कमेटी, जांच कमेटी बनी थी ना. वो था रिकमेंडेड दैट ऑल द वेस्टर्न घाट्स, ऑल द वेस्टर्न घाट्स बी डिक्लेयर्ड द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया. तो आज हम लोग जो न्यूज पढ़ रहे हैं ना कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इन द वेस्टर्न घाट्स, वो क्यों है, अभी आपने देख लिया कि स्टूडेंट्स वो माधव गडगिल जी की रिपोर्ट थी 2011 में, जो कमेटी बिठाई गई थी, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि हम वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दें. क्लियर है, चले आगे. आगे देखते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे, अभी डाटा बहुत पड़ा है हमारे लिए, तो चलते हैं आगे. यहां बोला गया दी 6 स्टेट्स, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये क्यों हमने यही स्टेट्स को क्यों बोल दिया. आपको पता है ये कंसेप्ट हो कि अगर ये भारत का मैप है, अगर ये हमारे भारत का नक्शा आ गया, अगर ये हमारा नक्शा है भारत का, तो हमने वेस्टर्न घाट्स को लेकर यहां से अगर मैं शुरू कर दूं, ये कंसेप्ट आप लोग यहां पे देखें, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका,
केरला और तमिलनाडु को लेकर हमने, ये स्टेट्स को लेकर हमने जिक्र किया था कि वेस्टर्न घाट्स पे दी सिक्स स्टेट्स इंक्लूड, जहां पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया हमने डिक्लेयर किया, तो वो स्टेट्स कौन सी हैं? वो है आपकी नंबर वन इज योर गुजरात, फिर आएगा महाराष्ट्र, देन आ रहा है आपका गोवा, देन इज योर कर्नाटका, देन केरला और छठवां आपका आ गया तमिलनाडु। ये आपके राज्य आ गए भारत के वेस्टर्न घाट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मैंने अरेंज किया। चले यहां बोला गया कि भारत सरकार ने हैड कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल, उससे भी ऊपर एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाया, वो बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन। कंसेप्ट याद रखना, ये आपका प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जो निगरानी में था डॉक्टर कस्तूरी रंगन, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ताकि हम लोग जो वेस्टर्न घाट्स की बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें, वाइल अलाउइंग फॉर सस्टेनेबल एंड एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। बिल्कुल ठीक है। यहां बोला गया जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया दैट आइडेंटिफाइड ज्योग्राफिकल एरियाज, ज्योग्राफिकल एरियाज है छह स्टेट्स में, वो आपको दिखी, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मे बी डिक्लेयर्ड एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। कंसेप्ट देखें आप लोग, तभी तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये छह राज्यों में हम लोग इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इन्हीं छह राज्यों में आपके वेस्टर्न घाट्स लाई करते हैं। क्लियर है ना? यहां बोला गया कि द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, कंसेप्ट देखे वो कौन थे इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, हमने गडगिल कमेटी जी की अभी तो बात की थी ना, नोन एज द गडगिल कमेटी, वॉज एन एनवायरमेंट रिसर्च कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 2011। इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स, ये आपका डाटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डाटा प्लीज आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करके रखें। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं वेस्टर्न घाट्स पे ये लिखा है कि स्प्रेड ओवर, अब कंसेप्ट देख लें कहाँ कहाँ पे, गुजरात में आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिल रहा है, और पूरे भारत में वेस्टर्न घाट्स कितने किलोमीटर तक फैल रखे हैं, ये है डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर अलोंग वेस्टर्न कोस्ट। हालांकि देखा जाए तो ये 1500 से 1600 किलोमीटर तक के आपके वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलते हैं। इवन यहां पे अगर मैं एक और बात बोल दूं, कहते द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आप जैसे जैसे नॉर्थ से नीचे आते जाएंगे यहां की पहाड़ियों की जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। अब ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में लाए करते हैं आपके, कहते हैं प्रपोज्ड एरिया टू स्टॉप पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज एंड डी फॉर, अब कंसेप्ट देखें हमें पॉल्यूशन कम करना है और जो पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, उसको रोकना है, तभी तो हम लोग बोल सकेंगे ना ये वाला वर्ड ESA, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्टेट्स कौन कौन सी हैं जहां पे वेस्टर्न घाट सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, नंबर वन इज योर कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन केरला, फिर तमिलनाडु, फिर गोवा और बिल्कुल लास्ट में आता है आपका गुजरात। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? ये आपका डाटा रहा है। इवन ये वाला जो मेरे पास डाटा रहा है ये एक से डेढ़ साल पुराना डाटा है थोड़ा सा, बट इसके अंदर चेंजेस भी नहीं आए हैं अभी तक के। क्लियर है? क्योंकि ना तो इसकी हाइट में चेंजेस रहेंगे, एरिया भी वही रहेगा, स्टेट्स भी वही हैं, इवन ये भी आपकी जो फिगर्स हैं, वैल्यूज हूबहू बिल्कुल सेम रही हैं, और ये डाटा भी आपका सेम रहेगा। क्लियर है? फर्दर चलते हैं आगे। अब यहां पे है इको सेंसिटिव एरिया, कहते हैं इको सेंसिटिव एरिया क्या है, वो लोकेटेड है विद इन द 10 किलोमीटर अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया। कंसेप्ट देख लें कि इको सेंसिटिव एरिया वो एरिया है 10 किलोमीटर के तहत रहता है, अराउंड किसके अराउंड, प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड रहेगा, वो रहेंगे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। इवन यहां बोलते हैं कि इको सेंसिटिव एरियाज नोटिफाई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हम बोलते हैं MOEFCC अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव याद रखें, इसी तरीके के क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे हमारे पास।
नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, इसको पढ़ते हैं। यहां बोला गया जो ये पैनल है, एक कमेटी बैठती है हेडेड बाय द इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल, बिल्कुल ठीक है, ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, अभी देख लिया था। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो विद ओनली लिमिटेड डेवलपमेंट अलाउड इन ग्रेडेड जोन। कंसेप्ट देखें, कुछ कुछ चुनिंदा भागों में ही हमने लिमिटेड डेवलपमेंट करनी है और अलाउ किया जाएगा इन द ग्रेडेड जोन। ऐसा नहीं है कि यहां पे जंगल काट दे, इंडस्ट्री लगा दी, वहां पे जंगल काट दिए, एग्रीकल्चर शुरू कर दे, नहीं, वो कंसेप्ट नहीं है, लिमिटेड करना है हमें, लिमिटेड। ये दिया गया था रिकमेंडेशन बाय द गडगिल कमेटी इन 2011। क्लियर, आगे चलते हैं। कहते हैं The panel had classified the Western Ghats into ecological sensitive area. अब ये panel ने ESA बोल दिया Western Ghats को तीन zone में, 1, 2 and 3, of which ESA 1 is highly priority. Almost all development activities were restricted. Concept है कि ecological sensitive area 1, 2 and 3. अब 1 के अंदर तो बिल्कुल भी restriction थी ही नहीं, मतलब ban लगा दिया development के लिए। टू पे भी सिमिलर था और थ्री पे कहीं कहीं लिमिटेड एरियाज में डेवलपमेंट हो सकती थी, बस ये बोलना था। तभी तो उन्होंने वन टू और थ्री में एक डिवीजन, एक सेपरेशन क्रिएट कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, चले आगे। अब यहां पे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं इस चीज को। कहते अब ये थ्रेट आ गया कि 37% ऑफ द एरिया ऑफ 15,000 किलोमीटर लॉन्ग वेस्टर्न घाट्स कॉरिडोर है जो दैट द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू नोटिफाई एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। भारत सरकार ने तो बोल दिया कि हम इसे ESA बोल रहे हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ माधव गडगिल कमेटी, याद रखें जो 2011 में संगठित की गई थी, 6 नंबर ऑफ स्टेट्स हमने देख लिया, 1461 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है गोवा में, जिसके अंदर 90 विलेजेस आते हैं, has been included as a ESA. कहते this comprises 83.57% of earlier identified natural landscape. Madhav Gadgil panel had recommended 64% of the area, while the panel headed by the K. Kasturi Ranjan had proposed 37%. Concept अब यहाँ पे देखें, जो दो कमेटी संगठित की गई थी तो उन्होंने कितना कितना परसेंटेज दे दिया। माधव गडगिल जी ने बोल दिया कि 64% हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, और दूसरी जो कमेटी बैठी थी जिनके चेयरमैन थे के कस्तूरी रंजन, उन्होंने प्रपोज किया 37%। क्लियर है, चलें आगे, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट आता है कि वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल है, कहते इट स्पेसिफाइड दैट द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कंसेप्ट देखें, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस of the environment should be a bottom to top, मतलब right from the ग्राम सभा को भी हमने include किया, rather than a top to the bottom approach. अब ये concept देखें, bottom से top पर जाना है, ना कि top से bottom पे आना है, ठीक है? ये बोला गया कि it also recommended the constitution of Western Ghats Ecological Authority. क्या है ये? As a statutory authority, ये एक statutory authority है, किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आ गई एंड फॉरेस्ट विद द पावर। अब इनको क्या पावर दिया गया था? अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरनमेंट एक्ट 1986। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, मेंस में काम आएगा आपके लिए, इवन प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। और ऊपर से ये भी 64% किसने रिकमेंडेशन दिया, 37% किसने रिकमेंडेशन दिया, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना कि माधव जी ने 64% और के कस्तूरी रंजन जी ने 37% की रिकमेंडेशन दी थी। स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। क्लियर है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग इसी तरीके से ना हर एक न्यूज को विद डिटेल्ड मैनर करते जा रहे हैं और बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना, तो अब बस आप मेरे साथ बने रहें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको करंट अफेयर्स के अंदर। क्लियर है, चलते हैं। अब आता है कस्तूरी रंजन कमेटी, उसके अंडर क्या था? कहते द कस्तूरी रंजन कमीशन सॉट, इन्होंने क्या देखा, बैलेंस किया डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट एंड, दोनों को बैलेंस करना है,
protection in contrast to the system proposed by the Gadgil report. The committee's major recommendation, अब इनकी recommendation क्या थी? Number one, जो कस्तूरी रंजन कमेटी ने दिया वो था, instead of total area of western ghats, इन्होंने बोल दिया कि हालांकि पूरे western ghats को ecological survey area ना declare करके, क्यों ना हम उसका सिर्फ 37% of total area to be brought under ESA. गडगिल जी ने बोला कितना था? 64%, 64%, इन्होंने 37% बोल दिया. ठीक है, एक मिनट. अब दूसरा पॉइंट यहां पे क्या बोला, कहते हैं कंप्लीट बैन लगा दिया माइनिंग पे, क्वेरिंग एंड सैंड माइनिंग इन इकोलॉजिकल सर्वे एरिया. बहुत इंपॉर्टेंट था ये डाटा, इसको लेकर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी, विवाद भी हुआ था. थर्ड पॉइंट क्या है यहां पे, जो रिकमेंडेशन दिया गया था ये था, नो थर्मल पावर प्रोजेक्ट टू बी अलाउड. क्यों? क्योंकि हमने बोला ना कि डेवलपमेंट को रोकना था ना, डेवलपमेंट को, क्योंकि 1, 2, 3 इकोलॉजिकल सर्वे जोन्स बने थे, तो कोई भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा, परमिशन नहीं दी जाएगी. एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बी अलाउड, और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिर्फ अलाउ किया जाएगा आफ्टर डिटेल स्टडी. एक बार प्रॉपरली ये कंसेप्ट लगा सकते हो कि भारत सरकार उसको पहले डिटेल स्टडी करेगा, फिर उसके बाद परमिशंस ग्रांट की जाएंगी. क्लियर है? नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं. आज की स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट न्यूज रहेगी G7 समिट. ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 2. क्लियर है? सो शैल वी स्टार्ट दिस? कोई डाउट तो नहीं है? देखो किसी को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे बताएं. ओके, हम लोग आगे चलते हैं. आज की हमारी ये न्यूज रहती है जो जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, G7 समिट. यहां बोला गया द प्रेसिडेंट ऑफ USA मेड एन अनाउंसमेंट टू होस्ट. अब यूएसए के प्रेसिडेंट जी ने अनाउंसमेंट्स कर दिया कि 46th दो G7 समिट होने जा रही है इन पर्सन इंस्टेड ऑफ रिमोटली बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंस. समिट इन पर्सन इंस्टेड ऑफ रिमोटली बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा होगी. यहां पे लिखा द एनुअल, जो हर साल G7 समिट होती है, वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन कब, जून 10 से जून 12 तक थी 2020 में, इन कहां पे, इन कैंप डेविड यूनाइटेड स्टेट्स. क्लियर? ये थोड़ा सा डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और कौन सी G7 समिट थी? 46th. थोड़ा सा ध्यान में रखो बस ये चीजों को, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को. क्लियर है ना? क्योंकि यही थोड़ी सी बारीक बारीक चीजें रहती हैं जो पेपर में थोड़ी सी दिक्कत दे सकती हैं हमें. ठीक है, क्योंकि यही बेसिक्स रहते हैं स्टूडेंट्स न्यूज के. चले आगे, यहां लिखा कि द G7 इज अ ब्लॉक ऑफ, क्या है ये, इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज. वो कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, द यूनाइटेड किंगडम्स, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कैनेडा. अब यहां पे अगर मैं डाटा एड ऑन करूं एशिया की तरफ से, हमें रिप्रेजेंट कौन करता है? जापान करता है. हालांकि अगर भारत भी G7 का मेंबर बनता है तो उसको अपोज कौन करेगा? जापान अपोज कर सकता है और कर भी रहा है. क्यों? क्योंकि अगर इंडिया इज ऑल्सो विल ऑल्सो द पार्ट ऑफ G7, देन इंडिया माइट बी रिप्रेजेंट द एशिया, जो आज के टाइम पे आपका जापान रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे एशिया को. ये कंसेप्ट है, ठीक है? और अगर इंडिया G7 का पार्ट हिस्सा बनता है, वो कौन रिकमेंडेशन देता है? वो आपका फ्रांस बोल रहा है कि इंडिया को भी G7 का मेंबर बनाया जाए. यूनाइटेड किंगडम्स भी इवन हमारे सपोर्ट में है. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आगे फर्दर चलते हैं. यहां बोला गया, कहते इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म की गई थी 1975 में. ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा, द ब्लॉक मीट्स एनुअली. बिल्कुल ठीक है, ये हर साल मिलते हैं और डिस्कशंस होते हैं कौन से इश्यूज पर, लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस. बेसिक कंसेप्ट क्या है पूरे दुनिया की इकोनॉमी, उसकी गवर्नेंस चलाना कैसे है, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी. बिल्कुल ठीक है, एंड एनर्जी पॉलिसीज पे. ठीक, यहां पे लिखा द G7 वॉज नोन एज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए डाटा, क्योंकि इस पे ये सेकंड पॉइंट में यहां पे शो कर दिया कि G7 जो समिट है, जो बनाई है, उसका मेन एम ऑब्जेक्टिव क्या है. तो आपको ये वाला, एक मिनट,
थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ डिफरेंट कलर के पेन से, इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और द एनर्जी पॉलिसी, ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे G7 समिट अपने इश्यूज शेयर करता है। यहाँ बोला गया कि G7 को G8 भी बोला गया था सेवल कई सालों तक, आफ्टर द ओरिजिनल 7 वर ज्वाइन बाय द रशिया इन 1997, क्लियर। ये बोलते हैं द ग्रुप रिटर्न टू बीइंग G7, अब फिर से ये G7 हो गया था जब रशिया वाज एक्सपेल्ड एज अ मेंबर इन 2014, जब रशिया बाहर आ गया था 2014 में, फॉलोइंग द लेटर्स एनेक्सेशन ऑफ द क्रीमिया रीजन ऑफ यूक्रेन, क्लियर है। नेक्स्ट द ग्राउंड वर्क फॉर द समिट, अब ग्राउंड वर्क मतलब क्या रहता है कि बिल्कुल बेस लेवल से जो G7 समिट के मेंबर्स काम कर रहे हैं वो ग्राउंड वर्क हो गया ना समिट के लिए, इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ डिस्कस्ड एंड फॉलो अप मीटिंग्स इज डन बाय द शेरपास हु आर जनरली पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर्स। ये शेरपास कौन है, ये एक जनरली पर्सनल हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं या फिर मेंबर ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ सच एज एम्बेसडर्स, हमने उसको क्या बोला यहाँ पे शेरपास बोला है, क्लियर। ये एम्बेसडर्स भी हो सकते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव तो बोल ही सकते हैं क्योंकि वो देश का अब प्रतिनिधि कौन कर रहा है उसका एम्बेसडर ही करेगा, बिल्कुल ठीक है ना। चलते हैं आगे, अब यहां पे बोला गया G7 में कि द लीडर्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स का, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व। अब यहां पे अगर थोड़ा सा हम लोग देखें, व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन, व्हाट डू यू मीन बाय अ यूरोपियन यूनियन, तो ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये है कहते द यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप, ये एक ग्रुप बनाया किसका, ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज का, 28 कंट्रीज का ये एक समुदाय है, एक ग्रुप बना लिया, और दैट ऑपरेट एज अ कोहेंसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैक, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन, इवन यूरोपियन यूनियन आ गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स आ रहे हैं, IMF आ रहा है, उसके बाद आपके वर्ल्ड बैंक आ रहे हैं, देन आपके यूनाइटेड नेशंस भी आ रहे हैं। नेक्स्ट यहां पे बोला गया द ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर नॉट, अब इनके थोड़े से डीमेरिट्स भी देखते हैं कि इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया फॉर नॉट रिफ्लेक्टिंग द करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, कहते देर आर नो G7 मेंबर्स। अब ये कंसेप्ट देखें कि G7 जो समिट होती है उनमें कोई भी मेंबर अफ्रीका का नहीं है, लैटिन अमेरिका का नहीं देखने को मिलता, और द सदर्न हेमिसफेयर, ये सदर्न हेमिसफेयर क्या चीज हो गई माय डियर, सदर्न हेमिसफेयर का मतलब क्या हो चुका है कि आपका ना तो कोई ऑस्ट्रेलिया में से दिखा, ना तो कोई न्यूजीलैंड में से दिखा, इवन साउथ अमेरिका में से भी कोई नहीं दिखा, सदर्न हेमिसफेयर पूरी धरती की बात कर ली इन लोगों ने, इवन अफ्रीका में भी देखने को नहीं मिला, तभी तो कंसेप्ट आ गया ना कि इक्वेटर से नीचे वाली जो कंट्रीज हैं जिसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं उन सभी में से कोई भी देशों में से G7 का मेंबर नहीं है। यहां बोलते हैं कहते इट इज आल्सो फेसिंग अ चैलेंज फ्रॉम फास्ट ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया ब्राजील आर नॉट मेंबर्स ऑफ द G7। अब ये कंसेप्ट है, यहां पर यह इंपॉर्टेंट रहता है, क्लियर है ना, यहां पर लिखा भी हुआ है कि चैलेंज है फेस किया, जो भारत है ब्राजील है ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्रीज है, फिर भी ये G7 का मेंबर पार्ट नहीं है। चले आगे, अब आता है कि इंडिया एंड G7, अब ये सारे का सारा डाटा प्रिलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स आपका। शुरू करूं, यहां बोलते हैं सबसे पहला पॉइंट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, अब भारत ने पार्टिसिपेट किया था 45th समिट में, कहां पे, ब्रियट्स में जो फ्रांस में है, हालांकि मेंबर नहीं था फिर भी भारत ने पार्टिसिपेट किया, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर।
इनविटेशन मिला था भारत को 45th समिट में जो फ्रांस में हुई थी। यहां लिखा, व्हाई इंडिया हैज फाउंड द यूरोपियन यूनियन अ डिफिकल्ट ज्यूरिडिक्शंस टू नेविगेट डिप्लोमेटिकली। हालांकि भारत देखता है कि यूरोपियन यूनियन एक डिफिकल्ट ज्यूरिडिक्शन है जिसको आसानी से नेविगेट नहीं किया जा रहा, डिप्लोमेटिकली भी नहीं। अ बेटर रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन इज इमर्जिंग एज अ पॉलिसी प्रायोरिटी अंडर द G7 कंसेप्ट। देखें, भारत और यूरोपियन यूनियन इज इमर्जिंग एज पॉलिसी प्रायोरिटीज, ये दोनों पॉलिसी प्रायोरिटीज पे काम कर सकते हैं इसमें G7 में अगर भारत हिस्सा बनता है तो। क्लियर है? यहां पे लिखा कि इंडिया की एबिलिटी है टू सेफगार्ड्स इट्स कोर सोवरेन कंसर्न सच एज कश्मीर इशू। अब कश्मीर इशू क्या चीज है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अगर थोड़ा सा डाटा यहां से एड ऑन करें, कश्मीर इशू देखते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय अ कश्मीर इशू। थोड़ा सा न्यूज से साइड पर होकर डाटा एड ऑन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसमें आपका एक तो आ गया था आर्टिकल 370 प्लस और क्या आ गया था आपका आर्टिकल 35A हैव बीन सब्जेक्टेड टू द मैटर्स ऑफ इश्यूज। तो यही दोनों मैटर थे जो इशू बन गए थे। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अगर देख ले हैं यहां पे आर्टिकल 370 में क्या चीज है, कहते इट वॉज इंक्लूडेड एज अ टेम्परेरी प्रोविजन दैट ग्रांट स्पेशल स्टेटस किसको मिला, टू जम्मू एंड कश्मीर। ये थोड़ा सा डाटा प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग एड ऑन कर लीजिएगा। इवन ये आर्टिकल 370 के अंदर क्या होता है कि जो आपकी पार्लियामेंट है, भारत का जो पार्लियामेंट है, नीड द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्क्रेंस अप्रूवल मिलना चाहिए एक बार बोल सकते हो फॉर अप्लाइंग एनी अदर लॉ। ठीक है, ये आर्टिकल 370 के तहत आता है आपका। यहां पे ये भी लिखा आर्टिकल 370 में कि इट गिव्स जम्मू एंड कश्मीर अ यूनिक पावर टू हैव अ सेपरेट प्रेसिडेंट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट्स यहां पे? क्लियर है? तो ये था आपका आर्टिकल 370। और अगर 35A की बात कर लूं तो सेम के 35A में ये था। यहां पे मैं आर्टिकल 35A के बारे में लिख देता हूं क्योंकि हम कश्मीर इशू को देख रहे हैं। तो 35A में क्या था, गिव स्पेशल पावर टू जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट, एक राज्य डिक्लेयर करना है आर्टिकल 35A में, ये लिखा था। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स यहां पे? Even India's relation with Russia and Iran can be discussed with G7 members. Concept देखें, एक तो कश्मीर का मुद्दा, भारत के रशिया के साथ जो historically संबंध बने हुए हैं, ईरान के साथ हैं, उसको discuss किया जा सकता है G7 members के साथ। कहते India raised issues on climate change, भारत ने climate change पे भी issue को raise किया था, कहाँ पे, G7 में, at the meetings which signaled India's growing willingness, कि ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि भारत एक चाहता है टू लीड ऑन इश्यूज, की वो क्लाइमेट चेंज पे वो काम करे, आगे आकर काम करे, उस सभी को लीड करे। दैट आर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशंस फॉर द कंट्रीज लाइक चाइना एंड द USA। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डाटास। आपको नॉलेज होना चाहिए कि भारत ने 45th समिट में जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशंस रेस किए थे, जो करना शुरू किया था, वो दिखाता है कि भारत लीड करना चाहता है क्लाइमेट चेंज के अंदर पूरे विश्व में। क्लियर है? आगे चलें। और ये रही एक पिक्चर जो शो कर रही है कि इन G7 इनवाइट टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, फ्रांस लाउड्स इंडिया रोल। कंसेप्ट देखें, कहते फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रॉन रेफर टू द इंडियाज की रोल। ये फ्रेंच के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रॉन ने रेफर किया भारत के की रोल को, प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन एंड
प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट कंसेप्ट, देखिए फिर वही कंसेप्ट आएगा कि पूरे विश्व में और प्रोटेक्ट करना किसको, एनवायरमेंट को। तभी हमने यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया था, क्या था, क्लाइमेट चेंज का, कि भारत अब क्लाइमेट चेंज में लीड करना चाहता है पूरे ग्लोब में। तभी यहाँ पे लिख दिया कि प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट वाइल इनवाइटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू स्पेशल आउटरीच सेशन ऑफ द G7 समिट इन बैरेट्स इन ऑगस्ट। पीपल फैमिलियर विद द डेवलपमेंट एड, कहां पे हुई थी ये, बैरेट्स में। तो ये पिक्चर आपकी 45th समिट की है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 45th समिट जो बैरेट्स फ्रांस में हुई थी, तो नरेंद्र मोदी जी को एक पर्सनल इनविटेशन दिया गया था, क्लियर है। और यहां पे फ्रांस ने भी अपना क्या शो किया, फ्रांस लाउड्स इंडिया रोल, किसके अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है। चले आगे, हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है, प्लान फॉर द कैलामिटी सेस ऑन द GST। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा GS पेपर 3 के लिए, जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू करें, ओके, यहां लिखा द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग इंपोजिंग अ कैलामिटी सेस। भारत सरकार सोच रही है कि क्यों ना कैलामिटी सेस लगाया जाए, कहां, किस पे, ऑन द GST, सिमिलर टू द वन, इसी की तरह का एक इंट्रोड्यूस किया गया था केरला सरकार की तरफ से 2019 में, टू डील विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ सके, ट्रिगर्ड बाय द कोरोना वायरस पैंडेमिक, क्लियर है, ओके। अब स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय अ GST, एक बार क्विक रिकॉल ले लेते हैं, सॉरी एक मिनट, एक क्विक रिकॉल लेते हैं हम लोग यहां पे, व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड्स एंड द सर्विस टैक्स, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप लोग GST बोलते हो। ये नंबर वन, पहला पॉइंट क्या है, कहते इज अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है ये, विच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। भारत के अंदर जो कई डिफरेंट डिफरेंट तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, हमने उनको सभी को कंबाइन करके क्या बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक इसका और बेसिक देख लेते हैं कि जो आपका जीएसटी है, ये एक्ट है, वो एक्ट वॉज, यहां पे एक्ट लिख लेते हैं, कहते एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन कब, 29th of March 2017 and, और कब से लागू हुआ, and came into effect on 1st July 2017, clear है students यहां तक। चले आगे, please इसको note down कर लेना, यहां पे लिखा, एक मिनट, कि second point पे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग, अब सेंट्रल सरकार प्लान कर रही है टू रेज एडिशनल रेवेन्यूज बाय इंपोजिंग सेस ऑन द GST, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज इन द 5% ऑफ स्लैब, वो बाहर करना है उसको। अब केरला ने क्या इंट्रोड्यूस किया, कहते केरला इंट्रोड्यूस डिजास्टर्स रिलीफ सेस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से माय डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन करके रखा करो कि भारत में सबसे पहला केरला है जिसने डिजास्टर रिलीफ सेस लगाना शुरू कर दिया था। और क्यों लगाया, वहां पे मॉनसून के कारण जो 2018 में बहुत ड्रास्टिक फ्लड्स आ गए थे, कहते इट इम्पोज 1% कैलामिटी सेस, जो नेट जो आपात जो बोलते नहीं कि कुदरती जो मार पड़ती है, वो बोला गया कि कैलामिटी सेस ऑन GST for a period of 2 years, 2 साल के लिए, applicable from 1st August 2019, clear, कहते it is only state to have important, यहां पे mention कर दिया कि भारत की इकलौती ऐसा राज्य है to have leave such a cess, और कौन से constitution ने उनको power दे दी कि आप लोग disaster relief cess लगा सकते हैं GST पे, वो है आपका constitutional provision Section 4F of Article 279A, मतलब
इंसर्टेड थ्रू, ये जो आपका प्रोविजन है ये आया आपका 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहने वाले हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? देखिए फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आप लोग, कोई भी डाउट है किसी को भी किसी तरीके का। चलें आगे, नेक्स्ट आता है, कहते हैं द जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 आल्सो प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सेस अप टू द रेट ऑफ 15%। आप यहां पे परसेंटेज देखें कितना परसेंट, 15% तक है बेस्ड ऑन एस्टिमेट वैल्यू ऑन सम सप्लायर्स। कहते हैं एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो बना रही है इंडस्ट्रीज, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, इज ऑलरेडी फेसिंग अ ह्यूज क्राइसिस ड्यू टू COVID-19। बिल्कुल ठीक है, लॉकडाउन हो गया था। इम्पोजिंग सेस ऑन जीएसटी वुड नॉट बी गुड आइडिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ चुके हैं कि एक तरफ तो हमने बोल दिया था कि कैलामिटी सेस हम लोग डिजास्टर्स के लिए यूज करेंगे फ्यूचर में, अब COVID-19 में अगर हम लोग ये कैलामिटी सेस भी जीएसटी में ऐड कर देंगे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा बुरे हालात में चल रही है। क्लियर? यहाँ पे लिखा इम्पोजिशन ऑफ सेस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विच में डिक्रीज द डिमांड। बिल्कुल ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। अगर जीएसटी के ऊपर भी हमने सेस लगा दिया तो वो एक चीज फिर से महंगी हो जाएगी, उसके ऊपर परसेंटेज इंक्रीज हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहां बोला गया है द स्टेट्स आर ऑलरेडी नॉट एबल टू कलेक्ट द जीएसटी ड्यू टू द क्लोजर ऑफ मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? कोई भी डाउट है तो प्लीज बताएं। आगे चलते हैं। यहां बोला गया सेस क्या चीज रहती है? कहते सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, एक टैक्स की तरह है, लीव्ड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स, कि बेस टैक्स के ऊपर लगा सकते हो, लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर्स। इट कैन बी लीव्ड ऑन बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। यहां पे लिखा अ सेस इज अनयूजुअली इंपोज्ड एडिशनली कर सकते हैं व्हेन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट look to raise funds for the specific purpose। जब सेंटर और राज्य सरकारें कुछ पैसा और बनाना चाहें किसके लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के लिए, डिजास्टर्स के लिए, क्लीनिंग रिवर्स के लिए। कहते एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत सेस इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में टू फंड अ नेशनल कैंपेन फॉर क्लियरिंग द रोड्स स्ट्रीट्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के लिए कि आपको इसका हिस्ट्री पता लग गया कि हमने पहले भी ऐसा सेस लगा चुके हैं, स्वच्छ भारत सेस के नाम से 2015 में, सड़कों को साफ करने के लिए, गलियों को साफ करने के लिए और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को साफ करने के लिए। कहते इट इज नॉट अ परमानेंट, ये अभी परमानेंट नहीं है भारत सरकार का सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए लगा सकते हैं, उसके बाद हटाया भी जाता है। And it is discontinued when the purpose of living is fulfilled। जब इसका जो हमने purpose से लगाया, जब वो purpose हमारा complete हो चुका, उसके बाद हम लोग इसको हटाते भी हैं। Clear है students यहाँ तक? चलें आगे। हमारी next news रहती है National Technology Day। ये आपके लिए important रहेगी General Studies Paper 3 के लिए। शुरू कर सकता हूँ? Okay। यहाँ पे लिखा कि National Technology Day है, वो सेलिब्रेट किया गया हर साल मई 11 में ये सेलिब्रेट किया गया था टू हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट को याद रखना। क्लियर? एंड ऑल्सो अ रिमाइंडर ऑफ कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर यहाँ पे डाटा स्टूडेंट्स ऐड ऑन करें, यहाँ पे होता क्या है, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 11th ऑफ मे को बाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से, ये हर साल सेलिब्रेट किया गया 11th ऑफ मे को ऑफ इंडिया, और ये आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंदर आता, और ये है क्या चीज, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ किसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
और इवन ये याद रखना कि सबसे पहला इसका ऑब्जर्व किया गया था 11th ऑफ मई 1999 को टू कमेमोरेट द साइंटिस्ट एंड द टेक्नोलॉजी अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इंजीनियर्स नेम्ड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है? यहां पे लिखा कि 11th ऑफ मई 1998 इंडिया कंडक्ट सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जिस नेम्ड ऑपरेशन शक्ति पोखरान टेस्टिंग रेंज में जो राजस्थान में किया गया था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है ये ऑपरेशन शक्ति, ठीक है? तभी तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया था। यहां पे लिखा द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 डेटोनेशंस थे, द फर्स्ट बीइंग अ फ्यूजन बॉम्ब व्हाइल द रिमेनिंग 4 वर फिजन बॉम्ब्स। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ऑल टेस्ट वर डन इन अंडरग्राउंड डेटोनेशन मोड, वो पोखरान में अंडरग्राउंड टेस्ट किया गया था, राजस्थान में है जो आपका, ठीक है ना? टेस्टिंग रेंज है ये पोखरान, टेस्टिंग रेंज इन राजस्थान। सेकंड आता है कि दिस टेस्ट वाज फॉलो अप ऑफ फर्स्ट टेस्ट कंडक्टेड इन 1974, कोड नेम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इन द पोखरान टेस्टिंग रेंज, कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 5 डेटोनेशन थे, फर्स्ट था आपका फ्यूजन बॉम्ब, बाकी 4 थे फिजन बॉम्ब, ठीक है? नेक्स्ट आता है द डे ऑल्सो कोमेमोरेट द फ्लाइट ऑफ हंसा 3। ये क्या है? हंसा 3 इंडिया फर्स्ट एवर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 11th मई वाला दिन आपके लिए हंसा 3 के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी मतलब हंसा 3 का जो कोमेमोरेट फ्लाइट है उसके लिए भी ये बहुत फेमस है। वो हंसा 3 क्या है? इंडिया फर्स्ट एवर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो बनाया गया नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से। स्टूडेंट्स क्लियर? नेक्स्ट, इस दिन DRDO ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फायर त्रिशूल मिसाइल विच इज अ सर्फेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल। कहते टू वैलिडेट न्यू डिजाइंस, नए नए डिजाइन लेकर आने हैं टू एंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर डिटरेंट एज डाटा सेंट फ्रॉम 1974 टेस्ट वाज लिमिटेड। टू डिक्लेयर दैट इंडिया वाज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन, भारत भी अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुकी है, मॉडिफाई द टर्म ऑफ अवर एंगेजमेंट विद द अदर स्टेट अकॉर्डिंगली। To generate acceptance of India as a responsible state, अब हम लोग responsible state हैं, with a remarkable non-proliferation record. In COVID-19 crisis, technology has been at the forefront of the battle against pandemic. ये technology की बात की गई है, COVID-19 में भी technology ने बहुत साथ दिया भारत का। कहते these technologies will include medical technologies, advanced technologies and manufacturing that will prepare India for the post COVID-19 टाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ये टेक्नोलॉजी की बात की थी, तो मैं आज का सेशन यहीं तक रोकता हूं। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वाला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।